तेरी और ही कांचन। नहीं विवेक, मैं घर नहीं जा सकती। विवेक, मैं बाबूजी से नजरें नहीं मिला सकती। क्या बताऊंगी उन्हें? नहीं, मैं घर नहीं जा सकती। रुक, टेंशन के लिए ये सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा विवेक, मैंने सब खत्म कर दिया, कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ ठीक नहीं होगा, मैं हार गई विवेक, कुछ ठीक नहीं होगा विवेक। हाँ विवेक, माँ नहीं आ रही है, आज एक बेटी भी हार गई। विवेक, मौत के लिए वो गहने ना अपनी जान से भी प्यारे थे। बॉब जी ने उन्हें बिना बताए मुझ पे भरोसा करके मुझे वो दिए थे, लेकिन मैंने उसका भी ख्याल नहीं रखा विवेक। खत्म हो गया विवेक, मैंने सब खत्म कर दिया। और मैंने वो पैसे अपने लिए नहीं लिए थे, वो तो जून के ऑपरेशन के लिए लिए थे। क्या करती, मेरा अकाउंट खाली हो गया था, तू भी नहीं था, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए मुझे सतीश भाई से कर्जा लेना पड़ा। विवेक, उस वक्त जून की जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। विवेक, हर महीने में टाइम से इंस्टॉलमेंट देती थी, बस 2 महीने नहीं दे पाई, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी यार। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट भी की कि थोड़ा टाइम दे दो, पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी और सीधे सीधे घर आ गए। और मेरी बच्ची के हिंदू हिंदू तू वीक मत पड़, लाइफ का क्या है, उसका तो काम है गूगली फेंकना, उसे डॉज कैसे करना हमारा फर्ज है। सुन, तू मेरी सुपर हीरो है, तुझे कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा मैं। तेरा लाइफ टाइम सपोर्ट, तेरा बेस्ट फ्रेंड। ये वही सतीश है। इंदू बेटा, आप मुझे बेवकूफ बना रही हो क्या? कुछ टाइम लेकर खुद ही गायब हो जाती हो। सराफत से पेश आ रहा हूँ तो मेरा फायदा उठा रही हो? देखो बहुत ऊंची तुम्हारी बदतमीजी। अब सराफत से मेरे पैसे दे दो, वरना तुमको बेच कर पैसे वसूल कर लूंगा मैं। सोच के बोल कुत्ते, पर और बकवास की ना, वरना तेरी जुबान खींच के ना उसे से फांसी से टंगा दूंगा तुझे। अपनी गुंडागर्दी ना अपनी जेब में रख, तुझे पैसे चाहिए मैं तुझे पैसे दूंगा, लेकिन इंदू की तरफ आग उड़ा के भी देखा ना, कुछ और देखने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। ओ हेलो, कौन बोल रहा है? तेरा बाप। अपनी खैरियत चाहता है ना तो दोबारा इंदू को फोन मत करियो। देखो, ये अपनी दादागिरी अपनी जेब में रखो, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस, वरना तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। फोन रख, वरना तेरे घर में घुस के तुझे मारूंगा। फोन रख। इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। हिंदू, तू घर चल। नहीं विवेक, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, घर चल। यार वो बच्ची कैसे कांप रही थी यार, इतना डर गई थी, मतलब जैसे ही उसने मुझे देखा ना ऐसे गले से लगा लिया आके, दिल पिघल गया यार मेरा। और उनका घर तू देखता ना, ऐसा लगता कोई अर्थक्वेक आया हो जैसे। पर तूने इंदू से पूछा नहीं कि मैटर क्या है? ऑफ कोर्स पूछा यार, वो कुछ बोलती है क्या? वैसे पूरा दिन बकवास करा लो, और जब काम की बात आए तो मुंह पे गम लगा के बैठ जाती है, बोलती आई एम मैनेजिंग, मैं हैंडल कर लूंगी। यार तू एक काम कर, तू वहां जाके फाइंड आउट कर कि मैटर क्या है, किन लोगों से डील कर रही हो। क्यों, तुझे इंदू की हेल्प करनी है? मुझे जून की हेल्प करनी है, फाइंड आउट करेगा ना। ओके, बट रुक, मैं कैसे पता करूंगा, क्योंकि वहां मुंह उठा के जाने का कॉपीराइट तो सिर्फ तुझे, मुझे नहीं है ब्रो।
ब्रो ये कर क्या रहा है? ये ले तेरे जून के घर जाने का रीजन, ये देने के बहाने वहां जाना और फाइंड आउट करना कि वहां चल क्या रहा है यार। ब्रो पर इसमें है क्या? हमारे गन्नू बाबा के दर्शन का इनविटेशन जून के लिए। स्मार्ट, आई लाइक इट। ओके ब्रो चलता हूं। आज सत्संग में जाकर मन को बहुत शांति मिली। महीने में दो बार ही क्यों ना सही, सत्संग में जरूर जाना चाहिए। मन को बहुत सुकून मिलता है ना? हाँ बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते। सुन यहाँ क्या कर रही है? वही ट्रांसपोर्ट कंपनी, यहाँ क्या कर रही है? नानी, दीपा आंटी ने हम बच्चों को फैमिली पेंटिंग बनाने के लिए कहा है, मैं वही दाव कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। और दीपा आंटी ने कहा है जब गन्नू भाई आएंगे ना, सारी पेंटिंग उनके सामने लगाएंगे और बेस्ट फैमिली पेंटिंग को प्राइज मिलेगा। मुझे भी दिखाओ क्या बनाया है। ये देखो। ये पेपर क्यों फोल्ड करके रखा है तूने? सीक्रेट है। अच्छा, नानी को नहीं बताओगे कि क्या सीक्रेट है? आप नानी किसी को नहीं बताएंगे। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। तो देखो। क्या रितेश मल्होत्रा तुम्हारे पापा है? हाँ। मोश ने कहा? नहीं। तो फिर रितेश मल्होत्रा तुम्हारे पापा कैसे हुए? सीक्रेट है, धीरे बोलो, सबको पता चल जाएगा। तो फिर तू क्यों कह रही है कि रितेश मल्होत्रा तुम्हारे पापा है? मुझे पता है, क्योंकि रितेश हर वो चीज करते हैं मेरे लिए जो हर पापा अपने बेबीज के लिए करते हैं। नानी सॉरी मत करो, नहीं तो सबको मेरे सीक्रेट पता चल जाएगा। ओके ओके ओके, स्माइल भी नहीं करूंगी और तुम्हारा सीक्रेट भी किसी को नहीं बताऊंगी। अब मैं अंदर जाती हूँ और तुम भी जल्दी घर आ जाना। ओके। ज्वेलरी वो तो देख ली मैंने, इसकी है। वो ब्रो ऐसे ही ले आया था। किसके लिए लाया? विवान, कहाँ रह गया था तू? इतनी देर लगा दी ज्वेलर से ज्वेलरी लाने में, ला दिखा मुझे। थैंक गॉड उसने पॉलिश करके ज्वेलरी दे दी, मुझे गणपति पूजा पे यही पहनना है। मासी ये तो वही है ना जो पापा ने आपको लास्ट ईयर गिफ्ट की थी? हाँ। कामना दी दिखा ना ज्वेलरी। हाँ नाइस।
बिल्कुल टेस्ट काम ना दी, ब्यूटिफुल आइडिया। क्यों ना इस बार गणेश जी को हम यही ज्वेलरी पहनाए। क्या हो गया आप लोग सब ऐसे क्यों देख रहे हो? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैसे नहीं, प्रॉब्लम तो है ना। देख गणेश जी को तो हम नए गहने पहनाएंगे ना, ये तो पुराने हो चुके हैं, तू छोड़ इसे। क्या मुझे दे। अभी अभी कहा पॉलिश हो के आए, एज गुड एज न्यू। फाइनल डिसीजन, इस बार गणेश जी को हम यही ज्वेलरी पहनाएंगे। ओके ना कामना दी? ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ग्रेट, मैं पूजा के सामान के साथ रख देता हूं। आशा जी, बॉब जी। बेटा सुनीता को पता नहीं चलना चाहिए कि घर पर क्या हुआ आज। बॉब जी आप चिंता मत करो, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, मैंने पूरा घर साफ कर दिया है। आ जा इंदु। इंदु घर जा। मुझ मैं कह रहा हूँ ना, घर जा। हिंदू क्या हाल है तेरा? क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? सतीश को पैसे दिए या नहीं? इंदू हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही है, बताएगी हुआ क्या है? बाप जी, गहने चोरी हो गए। इंदू कौन से गहनों की बात कर रही हो? किन गहनों की बात कर रही है तू इंदु? कुछ नहीं सुनीता, गहने गहने की कहां से बात आ गई, गलत सुन लिया होगा। इंदु तो बस कह रही थी। रही बाप जी, मैं मौत से और सच नहीं छुपा सकती। ये सब सच अपना क्या हाल बना रखा है, क्या है ये सब इंदु? कोई मुझे बताएगा कि इस घर में हो क्या रहा है, कैसे गहने? बहुत जब जूल का एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने एक लोकल साहूकार से 3 लाख रुपए का कर्जा लिया था। मत लगाना मुझे, हाथ भी मत लगाना। मुझे अब सॉरी, मत बोल मुझे सॉरी।
सॉरी की तेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। तूने हमेशा वही किया है जो तुझे अच्छा लगा और हमेशा सॉरी बोल के बच गई। लेकिन इतने वार करने के बाद सॉरी बोल के तू किसी में जान नहीं डाल सकते है तू। नहीं हूं मैं तेरी मौज। मुझे तो तूने उसी दिन मार दिया था जिस दिन तू उस सून को इस घर में लेकर आई। तूने साबित कर दिया इंदु कि तेरी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं। सुनीता ऐसी बात नहीं है। वो गहने मैंने दिए थे। किस अधिकार से आपने मेरे रखे हुए गहने मुझसे पूछे बिना दिए? आंटी जी आप प्लीज शांत हो जाइए। तू चुप कर। हमारे घर के मामलों में तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सालों लग गए थे मुझे वो गहने बनाने में। एक एक पाई जोड़ के वो गहने बनाए थे मैंने तेरी शादी के लिए और आपने किस अधिकार से अपने समझ लिए राजेंद्र जी? आप लोगों ने समझ के क्या रखा है मुझे? क्या हैसियत है मेरी इस घर में कि घर के फैसलों में मुझे शामिल ही नहीं किया? क्या इज्जत है मेरी इस घर में? अगर इस घर में मेरी इज्जत ही नहीं है तो क्यों हूं मैं यहां? निकाल कर बाहर फेंक दो ना। क्यों कह रही? तूने गिराई है मेरी इस घर में इज्जत। उस दो कोड़ी की लड़की को सड़क से उठाकर अपने सर पर बिठा लिया तूने। जान पर खेल रही है तू और इस औरत के बारे में एक बार नहीं सोचा कि 9 महीने कोख में रखकर तुझे जन्म दिया और तेरे लिए मासूम तेरी अपनी हो गई। अरे मूर्ख तू समझ क्यों नहीं रही है कि सड़क की चीज कितनी भी प्यारी क्यों ना हो लेकिन वो अपनी नहीं होती है। वो फिर भी सड़क की ही रहती है और वो जून तो मौजब इस लड़ाई के बीच जून को क्यों ला रही है? उसका तो इसमें कोई लेना देना भी नहीं है। उसी का लेना देना है। उसी की एक्सीडेंट की वजह से ये तमाशा हो रहा है। उस भोकोड़ी की लड़की को सड़क से उठाकर यहाँ ले आई और उसने सारा सुख चैन हमारे घर का बर्बाद कर दिया। पिछले 5 सालों से मनहूसियत फैला कर रखी है उसने। जीली मेरी बेटी है जून। अनाथ है वो। सुना तूने जून अनाथ है? तेरा खून नहीं है जून और मेरी ही कसम की वजह से आज तक तूने उसे कानून गोद नहीं लिया।